शकरकंदी हमारी बिल्कुल स्टीम होके रेडी हो चुकी है। इसको मैंने काट कर इसके ऊपर चाट मसाला डाला है थोड़ा सा, तो माशाल्लाह से अंदर तक पकी हुई है। एक होता है कि ओवर कुक हो जाती है जब हम इसको बॉईल करते हैं, तो वो अंदर ही वो जो फैल जाती है। बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही मजेदार है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक अदद कढ़ाई, जिसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी है। और इसके अंदर हम रखेंगे इस तरह से स्टैंड, कोई भी आप स्टैंड ले लें, और इसके ऊपर हमने रखनी है इस तरह से जाली। शकरकंदी के किनारे जो होते हैं इस तरह से, ये वाले जो होते हैं, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है छुरी के साथ। इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रखते जाएंगे। शकरकंदी मेरे पास 1 किलो है। इस तरह से हमने सारी जो शकरकंदी है हमने इसको एक दूसरे के ऊपर रख लेना है अच्छी तरह से। अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह से ढांप देंगे ताकि ये स्टीम के अंदर ही पके। इसको जो आपने कढ़ाई लेनी है वो इस तरह की होगी, इसका जो साइडों से बिल्कुल इसकी जो हवा है वो बाहर ना निकले। ये देखिए अंदर स्टीम बननी शुरू हो भी गई है। 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको, तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। बीस मिनट हो चुके हैं हमारी शकरकंदी को बॉयल होते हुए। अब मैं इसको देखती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल हमारी जो शकरकंदी है ना वो पक चुकी है, गर्म भी बहुत है। ये देखें माशाल्लाह से सबसे मोटा यही था, मोटे वाली जो शकरकंदी यही थी। तो ये देखें माशाल्लाह से अंदर तक जो है ना वो पक चुकी है। ये देखें आप, इसको गर्म है, हैंड नहीं लगाया जा रहा है इसको। अगर सही तरीके से स्टीम ना हो तो अंदर से जो कच्ची रह जाती है वो वाइट वाइट होती है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल जो है ना रेडी हो चुकी है, पक चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं जी। तो अब मैं इसको छीलूंगी। इस तरह से आपने इसको छीलना, ये देखिए माशाल्लाह जो स्टीम हुई शकरकंदी होती है ना उसकी इस तरह से छिलका उतारना बड़ा आसान होता है। आप हैंड के साथ ही इसका छिलका जो ना बड़ी आसानी के साथ उतार सकते हैं। अगर हम इसको बॉयल करते हैं ना तो इसका छिलका जो ना साथ ही इसके जो जुड़ जाता है तो वो उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें अंदर तक पकी हुई है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ज्यादा ओवर वाली गली हुई नहीं है, अच्छी तरह से पकी हुई है। जितनी का हमें चाहिए बस मैंने उतनी की छील ली है। इसको कर दें साइड पे। आपने काट लेना है इसको अपने टेस्ट के हिसाब से, जिस तरह से आपको पसंद है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल आसानी के साथ कटी जा रही है और जल्दी से दिल कर रहा है कि इसको खा लें। आप इसको बेशक खुबानी की चटनी के साथ, लेमन जूस के साथ, या फिर आप इसको केचप के साथ, या फिर इमली की चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। ख़ास तौर पर ये खुबानी की चटनी के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। खुबानी की चटनी की जो रेसिपी है वो ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आप इसके ऊपर चाट मसाला डालें या फिर नमक डालें, कोई भी चीज़ जो कि आपको पसंद हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।